गाइस बैक टू अनदर व्लॉग। आपका भाई एक दफ़ा फिर नॉर्दर्न एरिया की तरफ ट्रिप कर रहे हैं। अभी तकरीबन रात के 12 बज चुके हैं, तो अभी लाहौर से निकले हैं। ये पहला ही टूल प्लाजा आया है, इधर हम लोग रुके हैं। हम लोगों ने गाड़ी में फ्यूल वगैरह इस टाइम फिल कराया, गाड़ी मेरी बैक साइड पर इस टाइम खड़ी है ये। तो अभी कुछ खाने पीने के लिए साथ इसके लेने जा रहे हैं नॉर्दर्न एरिया की तरफ। अभी हम लोग कौन सी जगह पर ट्रिप कर रहे हैं, अभी सिर्फ हमारा प्लान बना है। वैसे तो शुगरान वाली साइड पर नारान जा सके तो नारान जाएगा, नहीं तो कश्मीर लाजमी है। तो अभी ये अपना इधर से ट्रिप स्टार्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया चैनल की सपोर्ट के लिए। बस इधर से निकल रहे हैं, तो फिर आगे मैं क्या क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए और आपको भी मज़े मज़े के व्यू दिखाए जाए। ये जी इस टाइम मोटरवे के ऊपर हैं, ये देखिए अभी मैक्सिमम स्पीड से जा रहे हैं। सुफियान साहब के हाथ में ये जिम्मेदारी दी है कि ज़रा ड्राइव करें। मेरे पास ये देखें आगे कितना सामान है। तो मोटरवे पे भी कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए तो है नहीं, इसलिए ये मोटरवे पे बस सफ़र ही चल रहा है, तो यही दिखा सकते हैं। इसलिए छोटा सा क्लिप होगा, बहुत बड़ा क्लिप नहीं है। और अब ये मैक्सिमम आराम से जा रहे हैं। ये जी अभी कलर कार वाली आके रुके हुए हैं, कलर कार इंटरचेंज पे अभी रुके हुए हैं। बस इधर से मैंने ये चाय वगैरह ली है, चाय वगैरह लेने के बाद अब निकल रहे हैं। ये चाय ऊपर पड़ी है क्योंकि कलर कार पहला स्टे लिया है तब से जब से लाहौर से निकले हैं। उधर भी वैसे चाय पी के निकले थे, तो ये पहला स्टे है। अब बस निकलते हैं यहाँ से, ये मेरी बैक साइड पर इंटरचेंज है, तो अभी फिर निकलते हैं आगे की तरफ। हम वक्त पहुँच चुके हैं, इस टाइम रात के बज गए हैं तकरीबन 4:30 बजे हम लोग पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद। इस्लाम अब गाड़ी चला रहे हैं, सुफियान पीछे बैठा हुआ है, अभी तक मैं सीट पे हूँ इस तरफ। तो फिर देखते हैं आगे कितना टाइम लगता है। वैसे 3 घंटे लगते हैं बालाकोट तक, चलो आगे चलते हैं। आज ये जी एप्टाबाद टनल के पास पहुँच गए हैं, आगे टनल स्टार्ट होने वाली है। सुबह सुबह का टाइम है इस टाइम, फुल मज़े से अभी गाड़ी इधर गई है। वो क्योंकि एक स्टे लिया था तो वो कलर कार के पास, उसके बाद इधर आके स्टे किया है। तो ये देखिए इस टाइम सुबह सुबह इधर इतनी प्यारी परिंदों की इस टाइम चहचहाने की आवाज़ भी आ रही है। तो अभी बस निकलने की तैयारी है दोबारा। फिर हम मैंने कहा क्यों ना टनल स्टार्ट होने से पहले भी थोड़ा सी वीडियो बनाई जाए। ये मेरी बैक साइड पर टनल और सर्दी लगने लग गई है। अब यकीनन कि हमें नीचे से अपनी जैकेट और वो सारा कुछ निकालना पड़ेगा, सर्दी लगने लगी। बालाकोट में जाके हम लोग नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं, शुगरान जाते हैं या सीधा नारान जाते हैं। चिड़िया भी है वही। हाँ जी टनल के अंदर आवाजें आ रही हैं, ऊपर फैन पता नहीं चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, आवाजें जरूर आ रही हैं। ये जी हम अभी बालाकोट से थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। ये एक जगह ये देखें हमारे से कुछ ही देर पहले, मतलब कि घंटे दो पहले एक हादसा हुआ है। ये देखें ये क्रेन है, तो ये उठाने के लिए आई थी, ये खुद भी गिर गई है। और ये ट्रक है और दूसरी क्रेन ये है, और इसके साथ हिच किया हुआ है ये देखें, ताकि ये गिरे ना। इसलिए ये पहाड़ी इलाके का सफ़र ख़तरनाक सा होता है, ज़रा बच के आना चाहिए, आराम से गाड़ी वगैरह चलानी चाहिए। तो इसलिए फिर हम लोग भी एहतियात कर रहे हैं। तो ये हम वैसे ही थोड़ी देर हम लोगों ने स्टे किया है, ज़रा वैसे थके के गए थे क्योंकि हम लोगों ने स्टे बहुत कम किए हैं, तो इसलिए अभी हम रुके हैं, बस निकलते हैं आगे। ये जी बालाकोट सिटी पहुंच गए हैं, और ये जी हम लोग जब भी आते हैं इस जगह में से हम लोग पाए वगैरह खाते हैं। इसके पाए बड़े मशहूर हैं बालाकोट में ना, हम लोग इसके पाए वगैरह खाएँगे अभी, हर दफ़ा इसी के पाए वगैरह खाते हैं। और अभी आपको पाई भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये उनके मशहूर पाई। देखिए जी ये इस वक्त ये सारे कपड़े शपड़े निकाल रहे हैं, बालाकोट पहुँच गए क्योंकि इधर सर्दी महसूस हो रही है। ये देखिए ये रोला डाल रहा है, ये नीचे पैंट भी पहन के आया अभी इधर आके, इसको कपड़े शपड़े दे रहे हैं इस वक्त, ट्राउज़र वगैरह जो भी है। सर्दी इधर ज़्यादा है इस वजह से,
अभी मैंने भी जैकेट वगैरह निकाल के आगे रख ली है। इधर नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद आगे जाएंगे तो वो जैकेट वगैरह पहन लेंगे। पर नाश्ता आ गया, ये पाए जो हम लोग खाने के लिए, मैं खा के फिर आपसे मिलता हूँ। ये जी बालाकोट का ब्रिज है, फ्लाई ओवर, ये लोहे की तारों वाला है और इस टाइम दरिया का बहाव कुछ इस तरह का है, ये देख सकते हैं आप। इस टाइम पानी का बहाव बहुत ज़्यादा नहीं है, बस मुनासिब ही बहाव है पानी का। और सुबह सुबह का टाइम, अभी भी नाश्ता करके हम लोग इस तरफ आ चुके हैं, ये देखिए इस टाइम बालाकोट खूबसूरत सुबह सुबह का मंजर पेश कर रहा है। और पानी शदीद तेज़ किस्म का पानी है, ये देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल की सपोर्ट के लिए, इससे ये है कि मोटिवेशन बनता रहेगा। तो इंशाल्लाह मैं अच्छी अच्छी वीडियो आगे, ये टूर की मेरी जिस तरह की पहली वीडियो है, मज़ीद आगे अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपसे शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।